हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान इफ्तार स्पेशल आलू बोंडा सरप्राइज़ रेसिपी, जो एकदम नई और यूनिक रेसिपी। इतने क्रिस्पी करारे बनेंगे कि अगर आपने इसे एक बार टेस्ट कर लिया ना, तो इस रमज़ान 3 से 4 बार तो ज़रूर पक्के में आप इस आलू बोंडा सरप्राइज़ को ट्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। इस रमज़ान ज़रूर इस आलू बोंडा सरप्राइज़ की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक ज़रूर से कीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 8 से 10 कलियां लहसुन की लेंगे, 1 टीस्पून जो है तो धनिया लेंगे, साबुत धनिया लेंगे, और 1 छोटा बाउल भर के हम समार लेंगे और इसे दरदरा इस तरीके पीस लेंगे। तो हमें दरदरा पीसना है। अगर आपके पास में छन्नी बत्ता हो तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे पीस सकते हैं। तब हम एक बोल लेंगे, इसमें लेंगे 200 ग्राम पनीर। तो ये हमने शेडेड पनीर रेडीमेड मिलता है वो यूज़ किया है। अगर आपके पास में साबित हो तो आप उसे इस तरीके से शेड कर लें। अब यहाँ पर शेड किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का अनियन लेंगे। तो शेड हमने इसलिए किया है कि एकदम बारीक उसमें होता है शेडर में। इसी तरीके से एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लेंगे, उसे भी शेड कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है तो शेडेड की हुई है। इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून जो है तो हम इसमें गरम मसाला पाउडर देंगे, 1/2 टीस्पून जो है तो इसमें हम जो है तो चाट मसाला डालेंगे, और जो हमने हरा मसाला पीसा है ना तो 1 टेबल स्पून भर के वो इसमें डालेंगे। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमने बेसिकली आलू इसलिए इसमें इस्तेमाल किया है ताकि इसकी बाइंडिंग जो है बहुत ही बढ़िया आ जाए, और पनीर से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने ये आलू बोंडा सरप्राइज़ क्यों किया, क्योंकि हम इसके अंदर 2 फीलिंग बनाकर रेडी करेंगे। तो एक ये फीलिंग है और एक मैं आगे बताऊंगी कि कौन सी फीलिंग है। तो बहुत ही बढ़िया ये सरप्राइज़ आलू बोंडा बनकर रेडी होता है। तो हमारी पनीर वाली फीलिंग तो रेडी। अब यहाँ पर हम 250 ग्राम जो है तो पोटैटो को हमने बॉईल कर लिया और उसे शेडर से शेड कर लिया, या कद्दूकस से ग्रेट कर लिया, या आप मैश भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस से जो है तो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम फाइन मैश होता है, यानी इक्वल तरीके के जो आलू के शेडेड है तो वो निकलते हैं जो बॉयल शेडेड है। इसके अंदर जो हमने बचा हुआ जितना भी हरा मसाला है वो डालेंगे, 1 टीस्पून जो है तो गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून जो है तो चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, यानी लगभग 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बढ़िया तरीके से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे, और जो मोटे मोटे आलू होते हैं उस तरीके से हमें बिल्कुल भी इसमें रखना नहीं है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ग्रीन मसाला जब इसमें हम यूज़ करते हैं ना, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और एकदम तीखे चटपटे ये बनकर रेडी होते हैं। तो इस रमज़ान ज़रूर इस सरप्राइज़ आलू बोंडे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी इतनी है और कंसिस्टेंसी इस तरीके की है। अब हम हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, या तो हाथ पर ऑयल लगाएंगे या तो फिर वाटर लगाएंगे, और फिर जो हमने पनीर की फिलिंग बना के रखी है ना, तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। तो हमें सबसे पहला पॉइंट है, या सबसे पहले जो प्रिपरेशन है इस आलू बोंडे की, तो यही करना है कि पनीर के सबसे पहले छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। जब लगभग नींबू नहीं होते उतने हमें इसके बॉल्स बनाकर साइड में रख देना है। अब जो हमारे पोटैटो की फीलिंग है ना, तो वो लेंगे। तो इससे पहले भी पहले हाथ को वॉश कर लेंगे, या तो ऑयल लगाएंगे या तो फिर वाटर लगाएंगे। वाटर लगाएंगे ना तो जितने भी अच्छे तरीके से बनाना, यानी जितने भी पतली कोटिंग करना है ना पोटैटो की, तो उतनी पतली हम कर सकते हैं अगर हमने हाथ को जो है तो पानी लगा लिया तो। अब इस तरीके से हम इसकी एक टिकिया बनाएंगे, उसके अंदर डालेंगे पनीर वाला बोल और फिर इसे इस तरीके से राउंड कर देंगे। लगभग इसे हम आलू बोंडे की तरह बना लेंगे, और अगर हाथ को वाटर लगा हुआ होगा ना, तो बहुत ही अच्छे चिकने और पतली कोटिंग बनती है ऊपर की, जो आलू की फीलिंग वाली कोटिंग होती है ना, एकदम पतली बनती है। इस तरीके से हम अपना नेक्स्ट आलू बोंडा है वो भी बना लेंगे। तो सरप्राइज़ इसमें यह है कि अंदर से इसमें पनीर की फीलिंग रहेंगी ना, तो ये सभी के लिए सरप्राइज़ रहेंगी। बेसिकली आलू बोंडे जो होते तो आलू की फीलिंग के रहते, इसमें और हमने एक्स्ट्रा फीलिंग भरी है पनीर की। तो ये बहुत ही अच्छा एक आलू बोंडे खाने वालों को सरप्राइज़ है, इसलिए हमने आपको कहा कि सरप्राइज़ आलू बोंडे आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे आलू बोंडों को हमने ऊपर से जो पोटैटो की फीलिंग से कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसे साइड में रख देंगे। अब एक बोल लेंगे, इसमें 2 गिलास हम पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे, और जो ब्रेड है ना उसे पानी में जो है नमक वाले हम जो है तो सोक कर लेंगे, ताकि जो ब्रेड भी अंदर तक के अच्छा नमक वाला हो जाए, फीका फीका ना लगे। और जो इस तरीके से हथेली पे रखेंगे, और हथेली से जो ब्रेड को निचोड़ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से निथारना है, इसमें बिल्कुल भी जैसे वाटर नहीं रहना चाहिए, बस इस तरीके से निथारना है। अब हमने जो आलू बोंडे की फीलिंग वाला बॉल बना के रखा है ना,
वो इसमें हम डालेंगे और ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से कवर हो जाता है, अगर ब्रेड अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो बढ़िया तरीके से कवर हो जाता है। बस इसी तरीके से हमें कवर करना है और हाथों से गोल गोल जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, तो उस तरीके से इसे कवर करना है, आसानी से कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो सारे आलू बोंडे ना ब्रेड की कोटिंग करके हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे बनाकर रख दिए। आप चाहते हो तो आप इसे 1 से 1.5 महीना स्टोर भी कर सकते हैं, इसे फ्रीज में रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में, या फिर जब भी आपको बन हो बनाने का बना सकते हैं। आप इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, सबसे ज़रूरी पॉइंट, इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। अब 1 घंटे के बाद में हम एक इस तरीके की प्लेट लेंगे, इसमें 100 से 200 ग्राम एकदम जो बारीक वाली सूजी होती है ना वो लेंगे, 1 टीस्पून जो है तो सफ़ेद तिल लेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे, 1 टीस्पून जो है तो कलौंजी लेंगे और इसे अच्छी तरीके से जो है तो मिक्स कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून सौंफ भी लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है तो हम मिक्स कर देंगे ताकि हर जगह मतलब ये स्पाइसेस सारे मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो कि कहीं पर कलौंजी रह जाए और कहीं पर जैसे सारी चीज़ें मिक्स ना हो। बस इस तरीके से हाथों से मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड के आलू बोंडे बनाकर फ्रिज में रखे थे ना, तो 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसे निकालेंगे हम, और निकालने के बाद में बस इसी तरीके से इसमें गोल गोल राउंड करेंगे ताकि जो इसके ऊपर है ना तो अच्छी तरीके से सूजी और जो सारे स्पाइसेस हैं ना चिपक जाए। तो सूजी लगाने का मकसद यह है कि एक तो ये क्रिस्पी क्रंची बहुत बनते हैं, बाकी इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, जितना भी ब्रेड के अंदर मॉइस्चर होगा तो सूजी पूरा सोक कर लेंगे, ऊपर से सूजी की कोटिंग होंगी, तो ये आलू बोंडा ऑयल में डालने के बाद में बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो यहाँ पर सारे आलू बोंडों को हमने जो है तो सूजी में कोट करके रख दिया है। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फ्रिज में रखने के बाद में हम गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी पॉइंट, आप ये ख्याल रखिए कि जो ऑयल है तो एकदम हमें गर्म करना है, ठंडे ऑयल में हमें बिल्कुल भी आलू बोंडे डालना नहीं है, क्योंकि ठंडे ऑयल में जब ही हम आलू बोंडे डालेंगे ना तो ये अंदर से एकदम ऑयल चूस लेंगे और एकदम चिपचिपे बन जाएंगे। तो अगर गरम गरम ऑयल में हम आलू बोंडे डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची भी बनेंगे और बिल्कुल भी फूटेंगे नहीं, और जो है तो एकदम दानेदार, जैसे सूजी हमने इसमें ऊपर से कोट किया है ना, तो एकदम दानेदार आलू बोंडे देखने में बनेंगे, और उसके अंदर ऊपर के जो इतने भी हमने स्पाइसेस लगाए ना वो भी बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे और ऑयल बिल्कुल भी देखिएगा इस ख़राब नहीं, और ये जो आलू बोंडे कितने ऊपर से लग रहे हैं कि क्रिस्पी क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से हम सारे आलू बोंडों को फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में 5 से 6 आलू बोंडे हम फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। देखिएगा इसे कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं देखने में। अब जो हम एक बैच है तो निकाल लेंगे, सेकंड बैच भी हम उसी ऑयल में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है तो हमारे सरप्राइज आलू बोंडे रेडी है। एक सर्विंग डिश लेंगे और इसमें हम ये सारे आलू बोंडे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आलू बोंडे फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो देखिएगा इसे ऊपर से देखने में कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। यकीन मानिए अगर आपने इस बार इन आलू बोंडों की रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, तो आप इस रमज़ान 8 से 10 बार तो ये आलू बोंडे बनाकर रेडी करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये सुपर डिलीशियस आलू बोंडे की रेसिपी पसंद आई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।